गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स डू पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे बेटा, आपको क्या ड्रॉ करना है? रेक्टेंगल ओ के ए वाई, ये आपको ड्रॉ करना है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कीजिए। मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या गिवन है बेटा आपको, O K A Y, O K की वैल्यू गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर। आपको तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सेम इक्वल होती है, तो यहाँ ये भी 7 सेंटीमीटर की होगी। K A 5 सेंटीमीटर, इसके अपोजिट साइड O Y भी 5 सेंटीमीटर की होगी, और सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ये आप लोग जानते हो, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, राइट। तो देखो कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए आप, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए आप, ओ के ऑफ 7 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, देखो 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल आपको पता है कंपास से बना सकते हैं आप, क्योंकि 90 इज डिविजिबल बाय 15 डिग्री। तो क्या करेंगे, एक आर्क लगाइए बेटा कंपास को ओपन करके, यहाँ आर्क लगाइए 60 डिग्री, यहाँ आर्क लगाइए 120 डिग्री, फिर इनका बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, कुछ इस तरीके से बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। अब ये ड्रॉ कर दीजिए ओ वाई को 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर देना है आपको ओ वाई। अब के ए भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा, लेकिन यहाँ पर आपको कंपास से ड्रॉ करना है 90 डिग्री का एंगल, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, और ये इसका बाइसेक्टर, ये हो जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर का ही, ठीक है। अब अगर आपने एग्जैक्टली ड्रॉ किए हैं तो डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं आप इसको, 90 डिग्री पर ही ज्वाइन होगा ये, राइट, ओके। एंड दिस इज ए, डी एंगल पे आपका 90 डिग्री का ही होगा, लाइक दिस। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे देखो बेटा, ये बेटा आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी जिस भी तरीके से आपको करना है पॉज करके देख लीजिए। दैट्स इट, थैंक यू।